अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। रहमती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इकबाल मुन्ना को पूछने के लिए हॉस्पिटल जाए, मगर उस पर प्रेशर ही इतना है कि उसको जाना पड़ रहा है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसे अपनी सीट से हाथ धोने पड़ेंगे। और अब तो मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि यहाँ से इसको हटाओ रहमती को, और उसकी जगह पे मुन्ना को भाई बना दो। तो क्या मुन्ना भाई बनने के लिए तैयार हो जाएगा? ये तो किसी ने मुन्ना से पूछा ही नहीं। फिलहाल रहमती सबके दबाव में आकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल मुन्ना से मिलने, मगर जाते ही उसका सामना किससे होता है? जरनाब से, जो कि मुन्ना के आगे ढाल बनकर खड़ी है। और अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुन्ना रहमती जैसे इंसान से मिले। रहमती ने पहले मुन्ना का जो हाल किया वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं, इसके बावजूद भी आ गया हॉस्पिटल मुंह उठा के। ऐसा जरनाब का सोचना था। उसे क्या पता कि यहाँ पर रहमती को भेजने के लिए किस किस से फरमाइश करवानी पड़ी, तब जाकर तो रहमती यहाँ पर आया है। मगर जरनाब बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रही मुन्ना से मिलने की। जैसे ही मुन्ना को पता चलता है कि रहमती हॉस्पिटल आया, तो मुन्ना खुद आ जाता है बाहर रहमती से मिलने। दरअसल वो देखना चाहता है कि रहमती की आंखों में कुछ शर्म है या सारी ही बेच खाई है। मगर मुन्ना को रहमती की आंखों में ज़रा भी शर्म और लिहाज नज़र नहीं आता। वही उसकी ओवर एक्टिंग करके ही मुन्ना के पास आता है, उसे माफ़ी मांगता है और उसके गले लगता है, और उसे कहता है कि गलती में तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। भला कभी गलती में ऐसे भी होता है कि अगले की जान ही चली जाए? ऐसी गलतियाँ भी कभी होती हैं। जब यहाँ से रहमती जाता है तो सीधा जरनाब आती है मुन्ना के पास। तुमने रहमती को वाकई ही माफ़ कर दिया? मैं कभी भी रहमती को माफ़ नहीं कर सकता। रहमती ने मेरे साथ जो किया उसकी भरपाई तो रहमती को करनी ही पड़ेगी। रहमती से बदला तो मैं लेकर रहूँगा, मगर अभी ये टाइम नहीं। जैसे ही सही टाइम आएगा मैं रहमती से अपनी एक एक दर्द का हिसाब लूँगा। इस पर तो जरनाब भी खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो चाहती है कि मुन्ना रहमती से बदला ले, क्योंकि रहमती बहुत ज़्यादा अपनी जड़ें फैला रहा है और वो मुन्ना पर फिर भी वार कर सकता है। इसीलिए तो जरनाब मुन्ना को महफूज करना चाहती है। जैसे ही जरनाब की मंगनी टूटी तो फारिस पहुंच गया मिफ्रा के पास और मिफ्रा से अपने दिल का दर्द बयान करना शुरू कर दिया। अब मिफ्रा को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर क्यों जरनाब ने फारिस से मंगनी तोड़ दी, वो भी मुन्ना के लिए। तो सीधा पहुंच जाएगी जरनाब के घर, मगर वहाँ पे जरनाब को सोचना तो और ही होता है। मिफ्रा को देखते ही कहती है कि मैंने अपनी 8 साल की मोहब्बत माफ़ की फारिस को। उसने मेरे साथ जो बेवफाई की, इन 8 सालों में जो जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मैंने सब कुछ उसको माफ़ कर दिया। और साथ ही कहा कि जब औरत मोहब्बत करती है ना, तो उस इंसान को अपना सब कुछ मान लेती है, सब कुछ, अपना दीन ईमान। लेकिन जब औरत उस आदमी से किनारा कर लेती है तो फिर वो अपना अकीदा ही बदल लेती है। बस यही किया मैंने। मिफ्रा जरनाब की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो अगले बंदे को माफ़ भी कर रही हो और सज़ा भी पूरी दे रही हो। मगर जरनाब कुछ नहीं बोलती और कहती है कि बस फारिस को मेरा एक पैगाम जाकर दे देना कि मैंने उसे अपने साथ की हुई सारी बेवफाइयों का हिसाब माफ़ किया, कोई हिसाब नहीं लूँगी, सब कुछ माफ़ किया, 8 साल की मोहब्बत, मंगनी, हर बेवफाई, सब कुछ माफ़ कर दिया। फारिस, जो कि मिफ्रा के पास पहुंच तो गया है, मगर दिल में अभी भी जरनाब ही है, जो कि मिफ्रा ने फील भी कर लिया कि फारिस सिर्फ और सिर्फ जरनाब से ही मोहब्बत करता है, मगर इसके बावजूद मिफ्रा फारिस से शादी कर लेगी। अब शादी के बाद देखते हैं कि इनका क्या होगा और क्या नहीं। अंजाम तो इनका हमें बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं हमें इनके अंजाम का इंतज़ार रहेगा। और साथ साथ अभी जो नई नई मोहब्बत शुरू हो रही है इकबाल मुन्ना और जरनाब की, तो उसका तो हमें शिद्दत से इंतज़ार है। कब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करे जरनाब से और कब जरनाब आगे से हाँ करे, किस किस को इंतज़ार है मेरी तरह मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।